हमारे साथ मौजूद है किसान नेता इंद्रजीत सिंह। सर, जिस तरीके से पहलवानों का लगातार आप देख रहे होगे प्रोटेस्ट जारी है पहलवानों का, तो वो 3 महीने पहले भी आए थे प्रोटेस्ट करने, पर उन्हें उस समय ये बोल दिया गया था कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं, वो जांच करेगी, रिपोर्ट ये सामने आएगा। तो 3 महीने बाद भी उसका कुछ निष्कर्ष सामने निकलते नहीं आ रहा है। जाँच कमेटी ने तो जाँच किया, रिपोर्ट भी आ गई, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। कमेटी में जो सदस्य हैं वो खुद सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये तो शुरू में भी लगता था कि जिस प्रकार कमेटी की जो रचना की गई है उसके अंदर कोई बड़े विश्वसनीय खासतौर पे इस प्रकार की शिकायतों को समझने और डील करने वाले व्यक्ति उसमें नहीं थे। लेकिन चलो, जो भी थे इन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया और वो विश्वासघात करके आज तक एक शब्द नहीं बताया गया। मुद्दे ही तो ये हैं, तो इनके सामने ही जिन्होंने आश्वासन दिया था उनको आके बताना चाहिए कि उस कमेटी ने वास्तव में क्या जाँच की है। और ये इतना बड़ा मसला है वास्तव में, पहले तो कह रहे थे शिकायत दर्ज नहीं करवा रखी, अब तो 7 लड़कियों की शिकायत दर्ज है बाकायदा थाने के अंदर और 4 दिन तक रजिस्टर नहीं हो रही FIR। कमाल है, हरियाणा के अंदर एक मंत्री के ऊपर खुद आरोप एक लड़की ने लगाए जो महिला कोच है, वहाँ पर शिकायत दर्ज है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये वास्तव में स्थिति ये है कि इस प्रकार का ये एलिमेंट जो है गला छड़ा एलिमेंट ये खेलों के अंदर हस्तक्षेप करने लग रहा है और उन्हीं का इसके ऊपर वर्चस्व है। तो आप जैसे बृजभूषण सरंग सिंह पे ये FIR क्यों नहीं दर्ज किया कराया जाता है? 7 महिला पहलवान जाती हैं अपना शिकायत दर्ज करवाने पर, उन पर इतना दिन हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं निकल के सामने आ रही है, FIR नहीं दर्ज किया जा रहा है, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या क्योंकि वो BJP के सांसद हैं इसलिए? नहीं, सवाल एक तो देश में जो वातावरण बन गया है, मतलब गुंडागर्दी का और मन मर्जी का और निरंकुशता का, यहाँ तो मतलब न्यायपालिका तक को धमकाने लग रहे हैं यहाँ के मिनिस्टर, और एक FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, ये अपने आप में देश के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है क्या? और वो भी लड़कियों को। तो एक तो इसमें यही बात साफ है कि जो खेल डिपार्टमेंट है और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, ये चीज़ तो साबित हो चुकी है, जो कि निर्देश है कि हर एक डिपार्टमेंट में जहां भी लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं थी। तो ये जो ला कानूनी है, शासन कानून का नहीं है, उसका नतीजा ये है कि इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहलवान का प्रदर्शन, पहलवान अपना प्रदर्शन जो यहाँ पे कर रहे हैं उन्हें उस शांतिपूर्वक ढंग से नहीं किया देना चाह रहा है ये सरकार? क्योंकि आप देखे होंगे कि दिन भर लाइट नहीं थी, इतने चिलचिलाते धूप में पहलवान प्रदर्शन करते रहे, उन पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, फैन की व्यवस्था नहीं थी, लाइट काट दी गई, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, तो किस तरीके से देखते हैं? अरे, एक ही तो ये जगह है जहाँ पे कोई अपनी आवाज उठा सकता है लोकतंत्र में, जिसको जंतर मंतर कहते हैं, तो यहाँ तो लोग बैठते ही होते हैं, आप यहाँ से भी कहाँ भगाओगे? वो आ भी गए हैं, कोई उनको गद्दे नहीं लाने दे रहा, कहीं खाना नहीं बनने दिया जा रहा। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ओछापन है, इस तुच्छ स्तर के ऊपर मतलब देश का शासन प्रशासन पहुंच चुका है। इसलिए मामला ये केवल पहलवानों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश और पूरे तमाम जनता के भिन्न तबकों के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ केस नहीं है, केस बहुत ज़्यादा हैं। इनको ये लग रहा है कि एक बार अगर ढक्कन खुल गया तो पता नहीं किस किस का चेहरा बेनकाब होने वाला है। क्या लगता है कि जो हमारे देश के आन बान शान कहलाए जाने वाले हमारे देश के पहलवान, उन पर वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है, और बृजभूषण सरन सिंह पे FIR नहीं दर्ज हो रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? खतरा निश्चित रूप से है। तो जब एक आप बताइए, उनकी अपनी पार्टी का MP होके उन्होंने पिछली बार ये कहा कि मेरा मुंह खुलेगा तो सुनामी आ जाएगी, आज तक ये नहीं पता चल रहा वो सुनामी कौन सी थी। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसे रहस्य खुल के आने का इनको डर लग रहा है, वरना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून थोड़ी ना होता है, सबके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए, संविधान में कानून तो सबके लिए एक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, जो भी लोकतंत्र प्रेमी जनता है आज मतलब कानून और हमारी बहन बेटियों की जो है अस्मिता को बचाने का भी तो सवाल आ गया है ना, और तब तो बड़े कंधों पे हाथ मार मार के शाबाशियां देने के लिए तो वाह वाही लूट रहे थे प्रधानमंत्री भी, और आज क्या उनको नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या होने लग रहा है जंतर मंतर के ऊपर, उनकी नाक के नीचे हो रहा है, तो उनको पूछना चाहिए।
और इनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो गई तो हमारे चारों तरफ तो सभी तरह के लोग बैठे हैं, तो हरियाणा भी चल पड़ेगा जैसे किसान आंदोलन में उठ खड़ा हुआ था। बिल्कुल सही, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी उठ के खड़ा हो जाएगा जैसे किसान आंदोलन में हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी।